हाय गाइस, मेरा नाम इतना, आप सब देख रहे हो आपकी चैनल इतना शील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक के रीसेंट टॉप 2 अपडेट को लेके, और ये अपडेट दरअसल फेसबुक के रूल्स एंड गाइडलाइन चेंजेस को लेके है। तो आप लोगों को आज के इस वीडियो पे पता चलेगा अभी रिसेंटली 2 ऐसा कौन सा अपडेट है जो फेसबुक ने किया है। दोस्तों ये जो 2 अपडेट है मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के दे चुका हूं, मगर ये 2 अपडेट को लेके आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। तो उन्हीं सारे सवालों को आज मैं दी एंड करने वाला हूं, इसका मतलब पूरा क्लियरली समझाने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। सभी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे फेसबुक से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आज का अपडेट को समझने के लिए क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाना है, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं। तो मैं यहां पे क्लिक करके चला आया हूं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। यहां पे आने के बाद पहला जो अपडेट है वो है फेसबुक का साफ साफ कहना है कि अब से आप लोग फेसबुक पे कोई भी वीडियो को बल्क पे डिलीट मत करो। इसका मतलब होता है एक साथ बहुत सारे वीडियोस को फेसबुक से डिलीट कर देना, क्योंकि ये करने पे पेज लेवल मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो अब से करना यू है कि आपको इंस्टेड ऑफ डिलीट आपको एक्सपायर करना है। और जब से मैंने ये अपडेट बताया है तो आप में से बहुत सारे जनों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है वो एक्सपायर कैसे करना है, प्रैक्टिकली दिखाओ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके क्रिएटर स्टूडियो पे आना है, कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, और फिर आप जिस भी वीडियो को एक्सपायर करना चाहते हो उस वीडियो को 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करोगे तो वीडियो जो है एडिट मोड पे आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप करेगा। पॉपअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन है पब्लिश्ड कर, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक तो पब्लिश रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा जब भी आप वीडियो को पब्लिश कर दोगे, दूसरा रहता है शेड्यूल एक्सपायरिंग, और एक रहता है एक्सपायर। तो आपको शेड्यूल एक्सपायरिंग ये जो ऑप्शन है इस पे लगा दो, और जिस वक्त आप एक्सपायर करना चाहते हो उस वक्त को सिलेक्ट करके एक्सपायर लगा दो। और ये जो वीडियो है वो यहाँ पे देखिए डिलीट द पोस्ट परमानेंटली रिमूव द पोस्ट, आप क्या चाहते हो तो इसको भी आप सिलेक्ट कर लेना और आपके हिसाब से टाइम लगा देना और फिर एक्सपायरिंग में लगा देना है। तो यही मैंने कहा था कि आप आपके वीडियो को एक्सपायर कर सकते हो और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाए, नहीं तो आप एक्सपायर्ड भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपायर हो जाए, ये भी आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वीडियो को डिलीट। मगर फिलहाल मैं मेरे वीडियो को एक्सपायर नहीं करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट। अब दूसरा जो अपडेट है दोस्तों ये काफी ज्यादा आप लोगों के मतलब क्वेश्चन आए हैं इसको लेके, कि मैंने बताया था कि अगर आप लोग आपके पेज पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को लाइव चलाते हो कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो अब से आप लोगों को वही प्री रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आपको एक डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, नहीं तो आपके वीडियो लेवल पे ही वीडियो पे एक ग्राफिक्स के जैसा डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे जनों ने इस अपडेट को लेके मुझे ही क्रॉस क्वेश्चन कर डाला कि डिस्क्लेमर लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आज अभी मैं इस वीडियो पे आपको दिखा देता हूं, अगर आप लोग एडिट पोस्ट करोगे और आप लोग अगर प्री रिकॉर्डेड वीडियो लाइव करते हो तो जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट लिखना है, ये एक डिस्क्लेमर है जो आपको डालना है, और ये डिस्क्लेमर मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे लिख के दे दूंगा, नहीं तो लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके इसको कॉपी करके अपने वीडियो पे जो भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप करते हो फेसबुक पे लाइव उस पे लगा सकते हो। दोस्तों याद रखना प्री रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक ने कहा है आप यूज कर सकते हो विद डिस्क्लेमर, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट को प्री रिकॉर्डेड चला दोगे या फिर कोई भी लूपिंग में आप जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो को चलाओगे, वो स्टिल पॉलिसी के अगेंस्ट है। फेसबुक ने सिर्फ ये कहा है कि आप अब से प्री रिकॉर्डेड वीडियो को फेसबुक पे लाइव कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि आपको ये डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। और आप में से जितने भी लोगों ने ये डिस्क्लेमर के लिए मुझे पूछा है, होप आज के इस वीडियो से आपको ये मिल जाएगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे फेसबुक से जुड़े वीडियो डेली अपलोड होता रहता है। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों।